अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल रोजा स्टिचिंग एंड हसनैन ब्लॉग। तो आज हम ये ब्लाउज़ का डिज़ाइन देखेंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से आपको यहाँ पर सिखाया गया है। तो यहाँ पर हमने ब्लाउज़ की ऊंची ली है 14 इंच। छाती आप अपने पसंद से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। यहाँ पर छाती शोल्डर है हमारा 5.5, आर्म होल यानी मुंडा खोली है 6.25। तो यहाँ पर अभी हम गले की चौड़ाई लेंगे 3 इंच, नीचे के साइड भी हम लेंगे 3 इंच। इस तरह से दोनों साइड में 3 इंच लेते हुए सीधी लाइन पहले ड्रॉ कर लेंगे हम। गले की सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद गले की ऊंचाई लेंगे हम यहाँ पर 10 इंच। तो यहाँ पर भी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अभी हम यहाँ पर कोने पर 1 इंच ऐसा क्रॉस में आएंगे और 1 इंच क्रॉस में आने के बाद यहाँ पर राउंड गला बना कर लेंगे, देखिए इस तरह से। अभी इसको कटिंग कर लेंगे, इस तरह से कटिंग कर लेना है हमें। फिर हम यही कपड़े को यानी अस्तर के कपड़े को ब्लाउज़ के कपड़े के ऊपर रखेंगे और ब्लाउज़ के कपड़े को भी यहाँ राउंड शेप में कटिंग कर लेंगे। हम यहाँ पर कैनवास का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ अस्तर को ही हम पलटी मार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरह से पिनअप कर लिया है ब्लाउज़ और कपड़े को। तो अभी यहाँ पर एक दाब पर इस तरह से सी कर लेंगे बराबर से, देखिए एक दाब पर इस तरह से सीने के बाद पिन निकाल कर लेंगे और यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा कर लेंगे। फिर छोटे छोटे कट लगाने के बाद यहाँ पर गले को हम सीधा कर लेंगे। इस तरह से गले को सीधा करने के बाद प्रेस टिप मार कर लेंगे, देखिए इस तरह से हमें प्रेस टिप मार कर लेनी है। प्रेस टिप मारने के बाद ब्लाउज़ को उल्टा करेंगे और अस्तर और कपड़े को पहले जोड़ कर लेंगे। हमें चारों तरफ से अस्तर और कपड़े को जोड़ कर लेना है। यहाँ पर साफ़ करते हुए ब्लाउज़ की घड़ी बिल्कुल नहीं पड़ने देनी है हमें। साफ़ करते हुए एक लेवल में सभी तरफ से हम यहाँ पर टिप मार कर लेंगे। तो इस तरह से टिप मार कर हमारा इतना डिज़ाइन तैयार है। तो बैक साइड की डाच लेंगे, तो सेंटर से लेंगे हम 4 इंच और ऊंचाई लेंगे 4.5 इंच। इस तरह से हम एक डाच ले कर लेंगे। अब दूसरी साइड की भी डाच मार कर लेंगे बराबर उसी तरह से। तो दोनों डाच हमारे यहाँ पर हो चुके हैं। तो अभी हम अस्तर का एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे और यहाँ पर जहाँ से हमने काट को छोड़ा है एक्स्ट्रा, तो वहाँ पर लगा कर लेंगे। तो अभी यहाँ पर हम पहले गले को तैयार कर लेंगे। तो गला तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर कैनवस लिया है। कैनवस पर जो गला हमने तैयार कर लिया है उसकी मार्किंग कर लेंगे और उसके बाहरी साइड में 1-1 इंच पर बराबर से इस तरह से मार्किंग करते हुए इसको कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम इसको यहाँ पर ब्लाउज़ के कपड़े के ऊपर चिटका कर लेंगे यानी लगा कर लेंगे, देखिए इस तरह से। हम अस्तर का कपड़ा पहले रखेंगे, उसके ऊपर ये जो कैनवास हमने कटिंग कर लिया है उसको जोड़ कर लेंगे। तो ब्लाउज़ का कपड़ा हमारा थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है तो वो नहीं दिखेगा यहाँ पर अस्तर का कपड़ा लगाने से, देखिए इस तरह से बराबर से। फिर कैनवास के बराबर कटिंग कर लेंगे हम। तो कटिंग करने के बाद यहाँ पर हम पहले गले को डार्क कर लेंगे बराबर से। दोनों तरफ भी गला हमारा इस तरह से सेम आना चाहिए। तो इसको आप डार्क कर लेंगे हम छापा मारने के बाद। तो यहाँ पर अभी हमें गोट लगा कर लेनी है। गोट के लिए हमने यहाँ पर क्रॉस कपड़ा लिया है। तो इसको वन साइड से इस तरह से पहले फोल्ड कर लेंगे गोट के लिए। तो ये फोल्ड हो चुका है हमारा। तो अभी यहाँ पर राउंड को हम बराबर गोट लगा कर लेंगे। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से ये आपको सिंपल डिज़ाइन दिखाया गया है यहाँ पर। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें इस डिज़ाइन को, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। डालने के बाद ये डिज़ाइन सिंपल और दिखने में भी खूबसूरत लगेगा। ये तो सभी तरफ से हम गोट को एक लेवल में यहाँ पर बना कर लेंगे। तो इतना ये तैयार हो चुका है हमारा। अब यहाँ पर हमने 2x2 के स्क्वायर लिए हैं, तो इसको हम ट्रायंगल में इस तरह से बना कर लेंगे, देखिए इस तरह से हमें ट्रायंगल बना कर लेना है बराबर।
तो इस तरह से हमें बहुत सारे चाहिए ट्रायंगल, तो ट्रायंगल हम पहले बना कर लेंगे। तो ट्रायंगल हमारे तैयार हो चुके हैं, तो अभी हम यहाँ पर लगा कर लेंगे गोट के बराबर से, देखिए इस तरह से। तो ट्रायंगल हम एक के ऊपर एक नहीं रखेंगे, एक के बाद एक रखेंगे, तो ये गैप हमारा बराबर दिखना चाहिए सभी में। तो इतने ट्रायंगल हमारे यहाँ पर बैठ चुके हैं, तो अभी ये दो ट्रायंगल के बीच में हम एक एक मोती लगा कर लेंगे इस तरह से। इसी तरह के न्यू और लेटेस्ट ब्लाउज डिज़ाइन देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पर न्यू डिज़ाइन आपको मिलते रहेंगे। तो इस तरह से हमने मोती सभी तरफ लगा कर ले लिए हैं, तो अभी यहाँ पर हम फैब्रिक लटकन तैयार करेंगे। उसके लिए हमने 3.5 बाई 3.5 का स्क्वायर लिया है, तो इसको हम पहले इस तरह से सी कर लेंगे चारों तरफ से। सी कर लेने के बाद दोनों को अब यहाँ से हमें इसको सीधा कर लेना है, देखिए इस तरह से सीधा कर लेंगे। सीधा कर लेने के बाद इसके ऊपर हमें लेस लगा कर लेनी है, स्क्वायर में ही लेस लगा कर लेंगे हम, देखिए इस तरह से हम स्क्वायर में लेस लगा कर लेंगे बराबर। तो दोनों तैयार हो चुके हैं हमारे लेस लगाकर, अब इसका सेंटर निकाल कर लेंगे हम। सेंटर निकालने के बाद यहाँ से डोरी डालेंगे बीच में से। डोरी डालने के बाद देखिए यहाँ से हमें स्टिच कर लेना है, यहाँ से थोड़ा सा क्रॉस सेंटर में बराबर आते हुए, फिर और क्रॉस जाएंगे हम, देखिए इस तरह से। तो दूसरी तरफ भी हम वैसे ही स्क्वायर में उसको घड़ी करेंगे और बराबर क्रॉस में टिप मार कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरह से लटकन तैयार हो जाएगा हमारा फैब्रिक लटकन, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो सेम इसी तरह से हमने दूसरा भी तैयार कर लिया है, और ये इस डोरी की लंबाई हमने 15 इंच ली है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा यहाँ पर टिस्को टेप लगाएंगे और यहाँ पर भी मोती डाल कर लेंगे, तो इससे थोड़ा सा हमारा फैब्रिक लटकन का यहाँ पर यानी दिखने में अच्छा दिखेगा और भी। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर मोतियों को डाल लिया है, 3-3 मोती डाले हैं हमने यहाँ पर। तो ये जो गला है बराबर हम पहले यहाँ से स्टिच कर लेंगे इसको, ताकि ये यहाँ पर हले ना। अब यहाँ से कटिंग कर लेंगे। कटिंग कर लेने के बाद हमें ये गले के ऊपर लगा कर लेना है। तो बराबर से यहाँ पर गले के ऊपर लगा कर लेंगे हम, इसके ऊपर ये कच्चा हिस्सा छुपाने के लिए फिर लेस भी लगा कर लेंगे। तो दोनों तरफ से हम स्टिच कर गले को बराबर से यहाँ पर बिठा कर लेंगे। अब बिठा कर लेने के बाद यहाँ से हम लेस लगा कर लेंगे, तो इसके साथ ही हम डोरी भी बिठा कर लेंगे। तो डोरी हम ऊपर से 3 इंच नीचे तलक आकर बराबर यहाँ पर डोरी रख कर लेंगे। तो दूसरे साइड भी ऊपर से हम 3 इंच नीचे आएंगे, यानी शोल्डर से 3 इंच नीचे आते हुए डोरी को रख कर लेंगे। तो इससे हमारी कच्चा हिस्सा अंदर के साइड नहीं दिखेगा, डोरी भी लग जाएगी हमारी यहाँ पे। तो इस तरह से हमारा इतना गला ये तैयार हो चुका है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। सिंपल और बेस्ट, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ऐसे देखने में। तो अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।